हेलो एवरीवन आज हम करने जा रहे हैं रेलिवेंसी ऑफ कैरेक्टर इस वीडियो को देखने से पहले क्योंकि इसमें नोट्स होंगे जनरली जिसको आप जॉट डाउन कर सकते हो या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हो इस वीडियो को देखने से पहले मैं इसके नीचे डिस्क्रिप्शन दे दूंगी उस लिंक का जिसमें आपको इससे रिलेटेड वीडियो मिल जाएगी ताकि आप ट्रिक्स वगैरह कम्पलीट कर सको बेरेक्स से इसकी कम्पटिशन कर सको ये वीडियो का सोल पर्पज है कि आपको एक मेंस के पर्पज से नोट्स प्रोवाइड कर सके और आपकी जो डाउट uh, क्लियरिंग है वो सारी इस वीडियो के थ्रू हो जाएगी तो जब आप दोनों वीडियो को कपल करके देखोगे तो दैट विल बी द बेस्ट थिंग यू कैन डू फॉर अंडरस्टैंडिंग दिस कॉन्सेप्ट अब इसमें आज हम करने जा रहे हैं रेलिवेंसी ऑफ कैरेक्टर के प्रोविजन जो कि आते हैं सेक्शन नंबर फिफ्टी से लेकर फिफ्टी फाइव तक ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट ठीक है इंडियन एविडेंस एक्ट में है ये अब सबसे पहले हमें यह देखना होगा कि कैरेक्टर रेलिवेंसी uh, के बारे में बात क्यों की जा रही है अब देखो क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स में इंटेंशन देखा जाता है ठीक है उसी के सिमिलर हो गया एक कैरेक्टर बट कैरेक्टर एग्जैक्टली है क्या मैं आपको एक बता देती हूँ क्या वो जनरल रेप्यूटेशन है या फिर जनरल डिस्पोजिशन है ठीक है उस चीज से रिलेटेड डिफ्रेंशिएट किया था सुप्रीम कोर्ट ने एक फेमस केस में सरदार शार्दुल सिंह केस ठीक है मैं आपको बता देती हूँ सरदार सरदार की स्पेलिंग शार्दुल ठीक है शार्दुल जनरली एक्सप्लेन किया गया है डिस्टिंक्शन बिटवीन द टू टर्म्स कौन से दो टर्म्स जनरल रेपुटेशन यानी कि जनरल रेपुटेशन क्या होती है कम्युनिटी कैसे आपको परसीव करती है वेयर एज जनरल डिस्पोजिशन ऑफ अ पर्सन ठीक है देखते जाओ रेपुटेशन के बारे में बात की जा रही है दूसरा डिस्पोजिशन ऑफ अ पर्सन के बारे में बात की जा रही है जो कि क्या है उसके इनहेरेंट ट्रेड्स है ठीक है ये सब क्या आ गए एक जनरल कैरेक्टर में आ गए है ना वैसे ही दीज आर कोवर ट्रेड इंट्रेंसिंग टू अ पर्सन ठीक है एक ऐसे ट्रेड्स है जो कि आप जनरली जिसके एविडेंस वगैरह आप इजिली प्रूव नहीं किए नहीं किया जा सकता है हेन्स हम ये मानेंगे कि ये जो कैरेक्टर एविडेंस है ये क्या है एक तरह का वीक एविडेंस है है ना ये क्या है वीक है अगर ये सॉरी अगर ये वीक एविडेंस है तो क्या इसकी रेलिवेंसी होगी या नहीं होगी उससे रिलेटेड हम इसमें बात कर रहे हैं ठीक है तो अगर ये वीक एविडेंस है तो ये क्या कर सकता है इट कैन आउट वे अ पॉजिटिव एविडेंस ठीक है पॉजिटिव एविडेंस जो कि पॉइंट कर रहा है गिल्ड के टुवर्ड सिर्फ आप ये देखिए अरे ये तो बहुत अच्छा इंसान है ये गलत नहीं कर सकता है ये देख के आप उसको निगलेक्ट नहीं कर सकते हो ठीक है गुड कैरेक्टर जो है वो डिफेंस नहीं है बट यूजफुल है टू द एक्सटेंट ऑफ ंगसर लाइवलीहुड है ऑफेंस ठीक है अक्यूज है उसको आपने मर्डर से चार्ज किया है और आप बोलोगे की उसका गुड कैरेक्टर है जनरली लाइफ को लेकर के ठीक है जेनरल रेपुटेशन और जनरल डिस्पोजिशन उसका अच्छा है दैट विल नॉट मीन की उसने मर्डर नहीं किया है हाउ एवर वो लाइवलीहुड कम कर देता है कि हाँ इसने किया हो सकता है वो इसकी लाइवलीहुड थोड़ा कम कर देता है ठीक है However, अब हमने ये तो पढ़ लिया कि कैरेक्टर एविडेंस जो है वो वीक एविडेंस है ठीक है फ्लो चार्ट बनाते जाओ वीक एविडेंस है शार्दुल सिंह वाले केस में बता दिया कि कैरेक्टर क्या है ठीक है कैरेक्टर जो है वो वीक एविडेंस है उस पर आप हमेशा रिलाई नहीं कर सकते वो बस लाइकलीहुड कवर कर आ, कम कर देगा बट सुप्रीम कोर्ट ने एक केस में केस का नाम लिख लो हबीब मोहम्मद वर्सेज स्टेट ऑफ हैदराबाद ठीक है हबीब है जावेद हबीब सबको पता ही होगा ठीक है हबीब मोहम्मद वर्सेस स्टेट ऑफ हैबाद ने हेल्ड किया दट कैरेक्टर ऑफ एन एक रेलिवेंसी है उसकी बट वो भी टू एन एक्सटेंट है वो हम बाद में डिस्कस करेंगे पर ये देख लेते हैं इन अ क्रिमिनल प्रोसीडिंग्यूज इज एन टू शो दैट हीज अ पर्सन ऑफ गुड कैरेक्टर क्यों मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था क्रिमिनल में आप इंटेंशन देखते हो अन्स कैरेक्टर हेल्स इन एक्सप्लेनिंग कंडक्ट एंड इन जजिंग हिज इनोसेंस और क्रिमिनालिटी

और अगर जहां पर इंटेंशन मैटर करता है तो कैरेक्टर जो होगा वो हेल्प करेगा क्या एक्सप्लेन करने में कि उसका कंडक्ट उसकी इनोसेंस उसकी क्रिमिनालिटी स्टैब्लिश करने में ये सब चीजों में हेल्प करेगा बट कब हेल्प करेगा जब सिनारियो क्या हो डाउटफुल हो ठीक है वेन सिनारियो इज डाउटफुल तभी वो हेल्प करेगा ये सब चीजें एक्सप्लेन करने में कि क्या उसने किया हो सकता है कि नहीं अदरवाइज बहुत सारे एविडेंसेस होते हैं बट जब सिनारियो क्या हो डाउटफुल हो ठीक है ये डाउटफुल वाला पॉइंट कौन से देखो आपको हबीब में बाल कटवाने जाना है कि नहीं ये बहुत ज्यादा डाउटफुल है ठीक है तो उससे रिलेटेड आप इसको कर लो कनेक्ट कर लो ठीक है कौन सा केस है हबीब मोहम्मद वर्सेस स्टेट ऑफ हैदराबाद नेक्स्ट इसके बाद हम आ जाते हैं सेक्शन नंबर 52 से 55 जो हम स्टार्ट करते हैं कि इसमें क्या क्या बोला गया है इसके लिटरेचर से अब देखो हर एक सेक्शन पे बहुत लिटरेचर नहीं है ठीक है बहुत ज्यादा लिटरेचर नहीं है बट इसको हम लोग पहले एक बार इसको एक चार्ट के थ्रू देखेंगे इन सिविल केसेस ठीक है सिविल और क्रिमिनल दो केसेस के बारे में हम बात करें बट इधर आप फोकस करो सिविल केसेस में सिविल केसेस में रेलिवेंसी और इनरेलीवेंसी कब होगी अब सेक्शन नंबर फिफ्टी ट्रू से हमने स्टार्ट किया है उसमें सबसे पहले बात की गई है रेलिवेंसी से रिलेटेड और इनरेलीवेंसी दोनों से रिलेटेड सिविल केसेज में सेक्शन नंबर फिफ्टी में तो फिफ्टी में सबसे पहले देखेंगे रेलिवेंट क्या होगा वेन कैरेक्टर इज इट सेल्फ अ फैक्ट एन इशू अगर कोई चीज फैक्ट एन इशू है तो उसको डिस्कस करने से आप रोक नहीं सकते हो सेकेंड है वेन इट इज अदरवाइज रेलिवेंट अब देखो अगर फैक्ट एंड इशू सिविल केसेस में है तो क्रिमिनल केसेस में भी ये होगा हाँ होगा तो ये वाला पॉइंट जो है वो दोनों केसेस में है नेक्स्ट है इट इज अदरवाइज रेलिवेंट ठीक है अगर किसी इस अदरवाइज रेलिवेंट है तो होगा ये दोनों चीजें तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि रेलिवेंसी कैसे स्टैब्लिश होगी और इरेलीवेंट कब होगा जनरली कैरेक्टर टू रेंडर एनी कंडक्ट पोर्टेबल प्रॉबेबल और इम ठीक है देखो हम ये मानेंगे सिविल केसेस में जनरली क्या है इरेलीवेंट है बट रेलिवेंट क्या होगा जब अगर वो फैक्टर इशू है या फिर अदरवाइज रेलिवेंट है या फिर वेन कैरेक्टर एफेक्ट डैमेजेस सिविल सूट्स में हम डैमेजेस की बात करते हैं और अगर डैमेजेस में ही आप कैरेक्टर अगर कैरेक्टर को कर कैरेक्टर इफेक्ट कर रहे हैं डैमेजेस को तो हम उसको इसके अंदर अप्लाई कर लेंगे यानी कि वो रेलिवेंसी स्टैब्लिश हो जाएगी तो हमें इसके थ्रू क्या पता चल गया कि सिविल केसेस में कैरेक्टर इनरेलीवेंट है कैसा एबसल्यूटली है ना हेयर कोर्ट शुड ट्राई द केस ऑन द बेसिस ऑफ फैक्ट्स एंड सर्व सा एंड नॉट ऑन द बेसिस ऑफ जनरल कैरेक्टर ऑफ अ पर्सन अरे सिविल केस है कैरेक्टर ऑफ अ पर्सन की क्या ही जरूरत है है ना कोई जरूरत नहीं है चलिए चलते हैं हम क्रिमिनल केसेस के टुवर्ड अब देखो इधर वाले चार्ट में इन क्रिमिनल केसेस क्रिमिनल केसेस में कौन कौन से सेक्शन आ जाते हैं देख लो सेक्शन नंबर 53 आ गया 54 आ गया ठीक है 53 ए भी आ गया 52 और 55 आ जाता है सिविल में और 53 54 आ जाता है क्रिमिनल में यानी कि इसमें कितने सेक्शन हो गए फिफ्टी टू फिफ्टी थ्री फिफ्टी फोर एंड फिफ्टी फाइव टोटल फोर सेक्शन हो गए दो सिविल को डेडिकेट किया है और दो क्रिमिनल को डेडिकेट किया है ठीक है सेक्शन नंबर फिफ्टी थ्री बात करता है प्रीवियस गुड कैरेक्टर क्या होगा रेलिवेंट होगा क्रिमिनल केसेस में बैड कैरेक्टर रेलिवेंट होगा बट गुड कैरेक्टर क्या होगा रेलिवेंट होगा बट इसमें सिविल में क्या है दोनों ही इनरेलीवेंट होगा तो इसमें क्या है प्रीवियस गुड कैरेक्टर वेन रेलिवेंट अब इसमें सुप्रीम कोर्ट ने सिमिलर केस सरदार शार्दुल सिंह केवी शर वर्सेज स्टेट ऑफ महाराष्ट्र में ये मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी इन्होंने प्रोवाइड किया एविडेंस ऑफ बोथ जनरल रेपुटेशन जनरल डिस्पोजिशन हम इस बारे में बात कर चुके हैं कब रेलिवेंट होगा वो क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स इन इंडिया में रेलिवेंट होगा तो हमें ये पता चल गया कि गुड कैरेक्टर वगैरह ये सब जो चीजें हैं ये रेलिवेंट है इंडिया में ठीक है प्रीवियस गुड कैरेक्टर इज रेलिवेंट इन इंडिया इन क्रिमिनल केसेस ये हम ऑलरेडी 53 में कर चुके हैं इंट्रोडक्शन में मैंने आपको जनरली ये बता ही दिया था अब इनरेलीवेंसी के बारे में बात करते हैं हम लोग सेक्शन नंबर फिफ्टी ए जो कि कौन से अमेंडमेंट के थ्रू आया था 2013 क्रिमिनल अमेंडमेंट एक्ट 2013 ये आप लोग लिख लो क्रिमिनल अमेंडमेंट एक्ट 2013 ठीक है इसमें किस बारे में बात की गई है कैरेक्टर ऑफ प्रीवियस सेक्शुअल एक्सपीरियंस इन विक्टिम गिवन सेक्शुअल हैरेसमेंट और रेप केसेस मान लो मान लो क्या ये उसी से रिलेटेड है रेप केस हुआ है ठीक है रेप केस होने के बाद आप क्या करते हो सर्टन टेस्ट करते हो और उसमें ये हो जाता है कि हाँ विक्टिम के प्रीवियस सेक्सुअल एक्सपीरियंसेस रहे हैं तो दैट इज टोटली इेलीवेंट ठीक है करंट सिनेरियो में उन्हें क्या प्रॉब्लम हुई है ये चीज रेलिवेंट है ये चीज इरेलीवेंट है कि प्रीवियस एक्सपीरियंस क्या रहा है या पास्ट में क्या हुआ है ओनली प्रेजेंट मैटर्स ठीक है ये कौन कौन से केसेस में हो गया प्रोसिक्यूशन फॉर एन ऑफेंसेज अंडर सेक्शन 354, 354 ए बी से लेकर के 354 फिफ्टी फोर ई तक ठीक है रेप से रिलेटेड है ठीक है और फॉर अटेम्प्ट टू तो कमिट एनी सच ऑफेंस वेयर द क्वेश्चन तो ऑफ कंसेंट इज इन इशू यहाँ पे क्वेश्चन किस चीज का आ रहा है कंसेंट का प्रीवियस चीज़ में आपने कंसेंट दी है ठीक है इस चीज में आपने नहीं दी है कंसेंट इज एन इशू प्रीवियस एक्सपीरियंसेस सेक्सुअल एक्सपीरियंसेस वगैरह ये सब इशू में नहीं है ठीक है दिस सेक्शन वॉज इंसोल्टेड इन द आफ्टर मैथ ऑफ द निर्भया गैंगरेप ये भी आपको पता है कि निर्भया गैंगरेप केस के बाद इसको डाला गया था और इसका एम क्या था टू प्रिवेंट कैरेक्टर असैसिनेशन ऑफ विक्ट इन द कोर्ट ठीक है सिंपली ये बात पता चल गई है की कैरेक्टर असैसिनेशन बाय द विक्ट सेक्शुअल एक्सपीरियंसेज उस चीज को रोका जाए इसलिए ये सेक्शन डाला गया बहुत सारे जब भी देखो कोई भी एग्जाम होता है तो मोस्टली उसमें फिफ्टी थ्री ए ही पूछा जाएगा ठीक है मोस्टली नेक्स्ट इसके बाद आ जाते हैं सेक्शन नंबर फिफ्टी फोर पे सेक्शन नंबर फिफ्टी फोर किस बारे में बात कर रहा है देखो मैं बता दू इनल प्रोसीडिंग सेक्शन नंबर फिफ्टी थ्री मेक गुड कैरेक्टर के बारे में बात कर ली गई है फिफ्टी फोर में आप बैड कैरेक्टर के बारे में बात करोगे क्रिमिनल केसेज में ऐसे डिफरेंशिएट कर दिया गया है सिविल केस में कैसे डिफरेंशिएट किया है कि तुम भैया कैरेक्टर की बात ही मत करो और फिफ्टी फाइव में बोला गया चलो अच्छा बात कर लो जब डैमेजेस की बात है तो ठीक है आई होप आपको ये यह डिफ्रेंस समझ में आ गया होगा अगर आपको सेक्शन याद नहीं हुए हैं तो इसके थ्रू आपको इजिली याद हो जाएगा तो ये क्या है इसमें मैंने आपको बता दिया कैरेक्टर जनरली इंट है ठीक है बट अनलेस एविडेंस हैज बीन गिवन दैट ही गुड कैरेक्टर इन विच बिकम्स रेलिवेंट एविडेंस दिया है कि इनका तो गुड कैरेक्टर है तो सामने वाला तो एविडेंस देगा ही ना अगर इसका एविडेंस दिया है सेक्शन नंबर 53 का तब आप 54 दे सकते हो 53 का नहीं दिया तो 54 देने की कोई ऐसी बात नहीं है और अगर फिफ्टी थ्रू तो एक पार्टी को लग रहा है कि इनका गुड कैरेक्टर है दूसरे पार्टी को लग रहा है बैड कैरेक्टर है तो अगर इन्होंने गुड कैरेक्टर बोल दिया फिफ्टी आ गया उसके बाद ही फिफ्टी आएगा ठीक है तो आई होप आपको ये समझ में आया हो अब इसमें दो एक्सप्लेनेशन भी है बट पहले हम सेक्शन नंबर फिफ्टी इसके थ्रू देखते हैं बैड कैरेक्टर इन रिप्लाई टू एविडेंस शोइंग गुड कैरेक्टर ठीक है ये क्या है रेलिवेंट है रिप्लाई में आप दे रहे हो दूसरा है सेक्शन नंबर फिफ्टी फोर एक्सप्लेनेशन वन बैड कैरेक्टर इट से फैक्ट एन इशू ठीक है हमने फिफ्टी टू में भी बात की थी इट सेल्फ अफेक्ट एन इशू है या फिर क्या है प्रीवियस कन्विक्शन एज एविडेंस ऑफ बैड कैरेक्टर ठीक है प्रीवियस कन्विक्शन एज एविडेंस ऑफ बैड कैरेक्टर को हम लोग एक बार अच्छे से पढ़ेंगे नेक्स्ट इसके बाद इेलिवेंसी कब है प्रीवियस बैड कैरेक्टर जनरली तो इनरेलीवेंट ही होता है ठीक है फिफ्टी फोर जनरली क्या है इनरेलीवेंट होता है बट रेलिवेंट हो सकता है अब इसमें कुछ सर्टन केस लॉज है वो मैं आपको करवाती हूँ सबसे पहला केस आता है राम लखनऊ वर्सेज स्टेट ऑफ यूपी अब ड्राफ्टिंग के टाइम में अगर आप को ड्राफ्टिंग आती है और आप ड्राफ्टिंग के टाइम में कोई भी uh, मतलब ड्राफ्ट बनाते हो तो उसमें लिखते हो द दब प्रेन्टिव इज अ लॉ अबाइडिंग सिटीजन ऑफ इंडिया ठीक है ये लिखते हो जस्ट इनके सामने वाली पार्टी ने बोल दिया द अब प्रेन्टिव इज नॉट अ लॉ अबाइडिंग सिटीजन इन इंडिया या फिर हेल्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ द दूस एज अ लॉ ब्रेकर ठीक है यानी कि बोल दिया कि अरे नहीं वो तो जनरली क्या है लॉ ब्रेकर है तो वो क्या हो जाएगा ये कैरेक्टर एविडेंस हो गया और इसको एक्सक्लूड कर दिया गया है कौन से केस में राम लखन वर्सेस यूपी ठीक है राम लखन वर्सेस यूपी नेक्स्ट इसके बाद क्या है लक्ष्मण दास वर्सेस स्टेट इसमें क्या हेल्ड हुआ था सेक्शन नंबर 54 डज नॉट हैव एन ओवरराइडिंग इफेक्ट एंड अकॉर्डिंगली इट डजंट कंट्रोल अदर सेक्शन फॉर एग्जांपल इफ द एविडेंस ऑफ अ बैड कैरेक्टर इज रिलेवेंट अंडर सेक्शन 1450 ठीक है बैड कैरेक्टर सेक्शन फोर्टीन फिफ्टीन हम लोग आगे कर चुके हैं देख लीजिएगा आप उसको मेनली बिकॉज इट माइट शो प्रीवियस मिसकंडक्ट ऑफ द इट इज नॉट इन एडमिसबल बिकॉज ऑफ सेक्शन फोर सेक्शन फिफ्टी फोर क्या बात करता है जनरली बैड कैरेक्टर जो है वो इनरेलीवेंट है बट अगर किसी और सेक्शन में आया है अदरवाइज मैंने आपको बताया ना बैड कैरेक्टर कब रेलिवेंट होगा या जब वो अदरवाइज हो ठीक है तब वो रेलिवेंट होगा बट अगर वो अदरवाइज uh, नहीं है या फिर क्या है कि फैक्ट इन इशू नहीं है तो वो रेलिवेंट नहीं होगा मैंने आपको रेलिवेंसी वाला करवाया था ना पहला क्या है या तो रिप्लाई होगा दूसरा क्या है अदर uh, दूसरा क्या है बैड कैरेक्टर इज अ फैक्ट इन इशू ठीक है फैक्ट इन इशू नहीं है तो फिर कोई मतलब नहीं है फैक्ट इन इशू या फिर ये सब वाली चीजें हमने रेलिवेंसी कहाँ पे की है रेलिवेंसी हमने चैप्टर नंबर टू के स्टार्टिंग वाले सेक्शन में की है ठीक है नेक्स्ट इसके बाद आ जाता है एक और केस आगे करवाती हूं मैं केस बट uh, एक रूल है एक्सक्लूजनरी रूल एंड बैड कैरेक्टर ठीक है अब मैं उसको बताती हूं इसने क्या किया है ये जो एक्सक्लूजनरी exclu, रूल uh, है इट इज अ प्रिंसिपल ऑफ लॉ दैट इवाल्व्ड इन यूएसए दिस रूल ग्राउंडेड इन द फोर्थ अमेंडमेंट ऑफ बिल ऑफ राइट्स ठीक है इसका इंटेंशन क्या था इट एसेंशियली प्रिवेंट्स एविडेंस कलेक्टेड इन वायोलेशन ऑफ डिफेंडेंट्स कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स फ्रॉम बींग एडमिसेबल इन अ कोर्ट ऑफ लॉ एक्सक्लूजन ऑफ एविडेंस एज अ रिएशन टू वायलेशन ऑफ रूल्स कंसर्निंग द एक्सेशन ऑफ एविडेंस अब इसका प्रिंसिपल रीजन क्या है एक्सक्लूजनरी रोल का इट इज प्रीडिकेटेड ऑन द बिलीव दैट एडमिशन ऑफ बैड कैरेक्टर एविडेंस विल हैव अ प्रोपेशनली प्री जुडिशियल इफेक्ट ऑफ द ऑन द जजेस अगर आप जज को बताओगे कि इनका बैड कैरेक्टर है हो सकता है जज के माइंडसेट में वो चीज आ जाए ठीक है जरूरी नहीं है वो अरे उसको उसकी सजा मिल चुकी है ये भी हो सकता है उसको उसकी सजा कम मिली हो जज को अकॉर्डिंगली लगे नहीं मेरे अकॉर्डिंग इसको इसकी सजा सही नहीं मिली है ठीक है तो वो क्या हो जाएगा उनके माइंड में एक बैरियर प्रिवेंट करेगा एक बैरियर क्रिएट करेगा जिसकी वजह से वो जस्टिस को प्रॉपरली डिलीवर नहीं कर पाएंगे ठीक है इसीलिए दिस प्रेजिस में अ फंडामेंटल इम्पैक्ट ऑन द आउटकम ऑफ अ क्रिमिनल ट्रायल इसीलिए इसको क्या बोला गया एक एक्सक्लूजनरी रूल है ठीक है बैड कैरेक्टर का उसको किया गया है Prejudice in the minds of judges may also affect the presumption of innocence, which is one of the basic tenets of the Indian criminal justice system. ठीक है तो I hope आपको ये समझ में आया हो इस चीज से related, bad character से related. आप लोग description देख लीजिएगा इसके आपको video link provide हो जाएगी जो कि आपके लिए essential होगी ताकि आप pre के से इसको complete कर सको. सेकेंड थिंग इसमें जो केसेस मैंने डिस्कस किए वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी और कोई भी चीज अगर छूट रही होगी या फिर एडिशनली एड होगी तो वो भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी तब तक के लिए चलते हैं प्लीज डू लाइक शेयर कमेंट एंड प्लीज डू सब्सक्राइब थैंक यू